ओम शांति, आप सबको स्वागत है आपके ही ईश्वरीय वरदान में। और आज हम बात कर रहे हैं 7 अगस्त के ईश्वरीय वरदान में, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम हल्के होकर के और हम नष्ट मोह होकर के हर कार्य करें, ताकि वो कार्य में हमें सफलता मिले। तो कभी कभी हम हो सकता है कार्य में सफलता पा भी लेते हैं, लोगों को गुस्सा करके, लोगों को क्रिटिसाइज़ करके, कंप्लेन करके, उनको नीचा दिखा करके, उनको ठीक करके, उनको गुस्से से ठीक करके, उनको रिफॉर्म करके हम वो फाइनेंशियल गोल, वो फिज़िकल गोल अचीव कर लेते हैं। लेकिन उसके गोल के अचीव करने के बाद हमें फील होता है कि पता नहीं कहाँ से डायबिटीज़ हो गया, पता नहीं क्यों हार्ट की प्रॉब्लम आ गई है, पता नहीं क्यों मोटापा बढ़ गया है, पता नहीं क्यों सर इतना क्यों दर्द होता है। हम उस कार्य को करते समय हमने गोल्स तो अचीव कर लिए, लेकिन हमने कहीं ना कहीं हमने जो हमने नेगेटिव एनर्जीज यूज़ करी, फोर्स यूज़ किया हमने, जहाँ पे हमने मैनिपुलेशन यूज़ किया, जहाँ पे कंट्रोल और वो कर करके हमने आगे काम बढ़ाया, उसमें हम कहीं ना कहीं अपने आप को पिछड़ते हुए देखते हैं। हेल्थ के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में अकेलापन महसूस होता है। तो परमात्मा चाहते हैं कि इस वरदान से हम उस चीज़ को महसूस ना करें और हम उनसे नेगेटिविटी से परे हो जाएं। तो परमात्मा कहते हैं, समर्पण भाव से सेवा करते सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भवा। सच्चे सेवाधारी वह हैं जो समर्पण भाव से सेवा करते हैं। सेवा में जरा भी मेरेपन का भाव ना हो, मेरी सोच, मेरा आइडिया। जहाँ मेरापन है वहाँ सफलता नहीं। जब कोई यह समझ लेते हैं कि यह मेरा काम है, मेरा विचार है, यह मेरी फर्ज अदाई है, तो यह मेरापन आना अर्थात मोह उत्पन्न होना कि मैं ही ठीक कर सकता हूँ, मैं ही ठीक कर सकती हूँ, ये नहीं, आप नहीं छुओ उसको, ये काम मैं करूँगी, आपको नहीं पता, आप ठीक से नहीं करोगे, ये करना अभिमान भी है और साथ में मोह भी है, सूक्ष्म है बहुत। लेकिन कहाँ भी रहते सदा स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूँ, मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। ये घर भी मेरा नहीं है, ये सेंटर भी मेरा नहीं है, ये ऑफिस भी मेरा नहीं है, ये परमात्मा का दिया, मैं बस एक ट्रस्टी हूँ इन सारी चीज़ों को संभालने वाला। डिटैचमेंट से ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। याद है ना, फाइनेंशियल सक्सेस तो आ गया, लेकिन अगर हमने रिलेशनशिप्स और साथ में हेल्थ में सक्सेस नहीं पाया, तो वो एक सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस पाके कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं, ये मेरा घर नहीं लेकिन सेवा स्थान है। ये घर मेरा नहीं है, मैं यहाँ पे आया हूँ, दिल्ली में आया हूँ, इसका साफ़ सुथरा देख रहा हूँ, संभाल रहा हूँ, इसको खाना पका रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, मैं जो भी मैं चीज़ कर रहा हूँ वो मैं समर्पण भाव से कर रहा हूँ, निमित्त भाव से कर रहा हूँ। लेकिन मैंने ही बनाया, मैं ही ठीक कर सकता हूँ, मैं ही अच्छा कर सकता हूँ, नहीं। तो जहाँ पर टकराव होता है वहाँ से आप दूर हो जाओगे, क्योंकि आपको मेरापन नहीं आएगा, उसमें बहस नहीं होगी। ठीक है, आप कर लो, आप बेटर हो, आप अच्छे से जानते हो, आप दे दोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे और खुद हल्के हो जाओगे। लेकिन जहाँ पर अगर आपका ईगो आ गया, नहीं मैं करके दिखाऊंगा, मेरे को पता कैसे करना है, बस वहाँ पे आप बंधन में फंसे रहोगे, भारीपन में फंसे रहोगे। इसलिए परमात्मा चाहते हैं कि हम हल्के हो जाएं। ये मेरा घर नहीं लेकिन सेवा स्थान है, तो समर्पण भाव से निर्माण और नष्ट मोहाबन सफलता को प्राप्त कर लेंगे। निर्माण मतलब हम्बल, नम्रता से, और नष्ट मोहा बन करके, मुझे मोह नहीं है, मुझे इस कार्य से भी मोह नहीं है, मुझे व्यक्ति से भी मोह नहीं है, मुझे इसके आउटकम, इसके रिजल्ट से भी मुझे मोह नहीं है, तो ही जाकर के सफलता प्राप्त होगी। ये कैसे करें, ये क्या एक ऊंची स्थिति है सोचने के लिए, इसको समझने के लिए आप ब्रह्म कुमारी स्कॉटली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में आएगा और गहराई से इन बातों को समझने के लिए। इसके साथ ओम शांति।